गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग आज एक नया लेसन लिटिल बर्डी नामक पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका रीडिंग किया था, टेक्स्ट पढ़ा था, इसमें आए हुए हार्ड वर्ड्स को पढ़ा था। आज हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे, इसके भाव को समझेंगे। देखें पाठ पर सीधा हमें, व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। आप यह चित्र देख रहे हैं, एक चिड़िया का घोंसला है जिसमें चिड़िया के बच्चे हैं और ये चिड़िया है। तो व्हाट डज लिटिल बर्डी से, ये छोटी सी बच्ची चिड़िया अर्थात चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से क्या कह रहे हैं। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, एट पीप ऑफ डे। पीप ऑफ डे मैंने बताया आप लोगों का, पीप माने झांकना होता है, पीप ऑफ डे माने दिन निकलने के समय। दिन निकलने के समय अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी चिड़िया क्या कहती है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट माने अपने घोंसले में बैठी हुई, एट पीप ऑफ डे। तो यहाँ से इसका अर्थ निकालेंगे कि दिन निकलने के समय अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी चिड़िया क्या कहती है। फिर से एक बार देखें, व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है। लेकिन कब, इन हर नेस्ट अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे माने दिन निकलने के समय। तो यहाँ से इसका अर्थ पूरा एक बार लें, दिन निकलने के समय अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी चिड़िया क्या कहती है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। चिड़िया कहती है सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया अर्थात चिड़िया के बच्चे, छोटी चिड़िया जो घोंसले में है कहती है, क्या कहती है, लेट मी फ्लाई। वह चिड़िया कहती है मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर माँ, लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ जाने दो। लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ जाने दो। छोटी चिड़िया, उसकी भी इच्छा हो रही है माँ की तरह वो भी उड़े। तो दिन निकलने के समय सुबह सुबह अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया क्या कहती है, चहचहा करके अपनी भाषा में अपनी माँ से क्या कह रही है। कवि ये समझाते हुए कह रहा है लिटिल बर्डी से, पहले में प्रश्न है और दूसरे लाइन में उत्तर है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है मुझे उड़ जाने दो। मदर माँ, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ जाने दो। बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रांगर, सो सी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर देन सी फ्लाइज अवे। अभी माँ उसको, अपनी छोटी चिड़िया को, अपने बच्चे को समझाती है जो घोंसले में बैठी हुई है कि अभी तुम्हारे जो है
पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि तुम उड़ सको। तो उसको समझाती हुई कह रही है, बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, हे छोटी चिड़िया, प्यारी बेटी, हे छोटी चिड़िया, रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और देर तक विश्राम कर लो। कब तक? टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक छोटे छोटे पंख तुम्हारे और मजबूत नहीं हो जाते, उनमें और ताकत नहीं आ जाती है, तब तक तुम और आराम कर लो। पहली दो लाइनों का अर्थ देखें, बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, हे चिड़िया, जब तक तुम्हारे पंख, छोटे छोटे पंख, लिटिल विंग्स दिया है, लिटिल विंग्स, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे पंख और अधिक मजबूत हो जाएं, तब तक थोड़ी देर तुम और आराम कर लो, थोड़ी देर तक और विश्राम कर लो। सो छोटी चिड़िया अपनी माँ के कहने पर आती है और उसकी बात को समझ जाती है। सो सी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर देन सी फ्लाइज अवे, इसलिए वह थोड़ी देर और विश्राम करती है, थोड़ा और आराम करती है, थोड़ी देर तक और विश्राम करती है, देन सी फ्लाइज अवे, फिर इसके बाद वह उड़ जाती है। ये दो स्टेंजा में हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा। पहले में वह पूछती है कि सुबह सुबह अपनी माँ से कह रही है कि मुझे उड़ जाने दो। माँ कहती है बच्चे से कि तुम अभी और आराम कर लो, थोड़ी सी और ताकत, तब तक आराम कर लो जब तक तुम्हारे पंख और मजबूत नहीं हो जाएं और उनमें ताकत ना आ जाए। इसलिए वो माँ का कहना मान करके चिड़िया जो है, छोटी चिड़िया आराम करती है और फिर देन सी फ्लाई जब उड़ता है। वाट डज लिटिल बेबी से, अब दूसरे घोंसले में देखिए यहाँ, वाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, बेड बने बिस्तर, दिल निकलने के समय, यहाँ भी है वही, इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, पीप ऑफ डे माने दिन निकलने के समय, दिल निकलने के समय अपने बिस्तर में पड़ी हुई छोटी बच्ची क्या कहती है, लिटिल बेबी से, व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। दिन निकलने के समय अपने बिस्तर में पड़ी हुई छोटी बच्ची क्या कहती है, बेबी छोटी बच्ची क्या कहती है, पहले में प्रश्न, दूसरे में बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। वो बच्ची कहती है कि उसी चिड़िया की भांत, जैसे ये चिड़िया के बच्चे थे, उसी चिड़िया की भांत, उसी चिड़िया की तरह मुझे, लेट मी राइज, मुझे उठने दो, जगने दो, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाने दो, मैं भी पक्षी की तरह पंख फैला करके उड़ना चाहती हूँ, उड़ जाना चाहती हूँ। जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे उड़ने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं, उसी प्रकार से बच्ची भी जो है दिन निकलने के समय कहती है कि मुझे भी उसी पक्षी की बच्चे की तरह, छोटी चिड़िया की तरह मुझे भी उठने दो और उड़ने दो, पंख फैला करके उड़ने दो। बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रांगर, इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर बेबी टू सेल फ्लाई अवे। बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, हे बच्ची थोड़ी देर तक तुम और विश्राम कर लो और सो लो,
थोड़ा देर और सो लो, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रांगर, जब तक तुम्हारे ये छोटे छोटे अंग और मजबूत नहीं हो जाते, अर्थात जब तक तुम्हारे इस छोटे से शरीर के अंगों में और ताकत नहीं आ जाती, वे और मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम और सो लो और आराम कर लो। और वह इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, और वह थोड़ी देर तक और सो लो, यदि वह बच्ची थोड़ी देर और से सो लेती है, बेबी टू सेल फ्लाई अवे, वह भी उसी पक्षी की बात उड़ जाएगी और अपने जीवन में उड़ान भरने लगेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने यह कविता पढ़ी और कविता के अर्थ को भी पढ़ा। आप लोग इस वीडियो को चला करके 2-3 बार अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिए। कल हम लोग इस पर जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं और वर्ड पावर है उसकी एक्सरसाइज कल हम लोग करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बंद कर दें।